नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तीन तरह से बारीक डोरी पलटना सिखाने वाले हैं। सबसे पहले तरीका होने वाला है हमारा मशीन की सुई से, दूसरा हमारा तरीका है झाड़ू की तील से, और तीसरा मशीन से ही ऑटोमेटिक पलटना। ये तीनों ही तरीके बड़े ही लाजवाब तरीके हैं और इनसे आप एक बेहतरीन और पतली डोरी पलटना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे कटिंग करने का तरीका देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा कपड़ा सीधा कपड़ा है किनारी वाइज, और ये कपड़ा हमारा होता है आड़ा, और इस तरह से हम इसे उरे भी करते हैं। ये हमारा उरे भी हो गया। ये देखिए, इस कपड़े को हम इस तरह से करेंगे तो ये हमारा उरे भी कपड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा उरे भी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच या 1.25 इंच के आसपास आप पट्टी को कटिंग करें इस तरह से। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये हमारी फर्स्ट पट्टी कटिंग हो गई है, और ये हमारी दूसरी पट्टी, और एक पट्टी और कटिंग कर लेते हैं, ये हमारी तीसरी पट्टी। ये तीन तरह के हम अलग अलग पट्टी पे आपको सिखाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जो मशीन की सुई है इस धागा पलटना सीखेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले ये हमारी उरेब की पट्टी लेंगे, और इसके ऊपर यहाँ से जितनी आपको डोरी बारीक पलटनी है, ये देखिए, ये वाली जो सिलाई है ये सबसे बारीक लगानी है, जितनी आपसे बारीक पलटी जा सके उतनी लगानी है, पास में बिल्कुल से, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से ये हमारी सिलाई पलट चुकी है, और इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे, त्रिकोण बना लेंगे। फिर दोस्तों हमें इस तरह से एक सुई लेनी है, उसके अंदर डबल धागा पोना है, और यहाँ पर एक गांठ लगा लेनी है इस तरह से। डबल गांठ लगाएं, अच्छे से लगाएं, ठीक है। और इसके बाद में हम इसमें यहाँ से इस तरह से 2-3 बार इसे करके धागा टूटे न निकले न, और इस सुई को हम उल्टी लगाएंगे, उल्टी इस तरह से इसके अंदर पोड़ लेंगे। दोस्तों इससे भी आसान आने वाले और तरीके होने वाले हैं इस तरह से। ये हमें इस तरफ निकाल लेना है, और मशीन का जो ये वाला हिस्सा है इसके, इसे हम लपेट लेंगे, या किसी भी वस्तु से आप इसे लपेट लें। ये लपेट लिए, अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको इसके अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये देखिए, इस तरह से धीरे से धागा अंदर की तरफ टूटे भी ना, और हल्के हाथ से ऐसे करते हुए, ये देखिए, इसे हम ऐसे करते हुए एक बार इस डोरी का जो मुंह है उसे बाहर निकालेंगे, तो अगर धागा टूट भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात न रहे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया, और ये देखिए, तो ये हमारी डोरी हो चुकी है पहला तरीका। ये देखिए, बारीक डोरी हमारी पलट चुकी है। अब दूसरा तरीका दूसरे पे आजमाते हैं। अब हम हमारी दूसरी पट्टी लेते हैं, ये देखिए, और इस तरह से हम यहाँ से पहले इसे आगे वाला हिस्सा पक्का कर लेंगे, और इसके बाद में थोड़ा सा बड़ा रखते हुए वही बारीक सिलाई पूरे में लगा लेते हैं इस तरह से। हमने सिलाई लगा ली है, और इसका जो ये वाला हिस्सा आगे तो का थोड़ा सा हिस्सा कटिंग कर देंगे, और इसे इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम इस तरह से जो झाड़ू होती है उसकी तील लेंगे, और इसे इस तरह से थोड़ा सा साफ कर लेंगे, ताकि ये चुभे न अंदर की तरफ, कपड़े में फंसे न। ये हमने ले लिया है, और जितनी बारीक लेंगे उतनी बढ़िया रहेगी, और इतनी बारीक भी ना लेके आपकी टूट ही जाए। उसके बाद में हम यहाँ से, ये दूसरा तरीका है हमारा झाड़ू की तीली से पलटने का, इसे एक बार अंदर की तरफ पुश करेंगे, एक बार थोड़ी सी अंदर चली जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर किसी वस्तु पे लगा लें इसे, ये देखिए थोड़ा अंदर जाने लग गई है। एक बार इसका भी इधर की तरफ मुंह निकाल लिया, और इस जो तीली को है हम वापस निकाल लेते हैं।
तो इस तरह से हमारी ये देखिए दूसरी तो डोरी पलट चुकी है जो हमारी झाड़ू की तीली से। अब तीसरा जो तरीका है हमारी सिलाई के साथ सिलाई भी लगे और डोरी भी पलटे, ये एक यूनिक ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अब हमारा तीसरी पट्टी है और इसके लिए हम सिंगल फुट का यूज़ करने वाले हैं और इसे बनाने के लिए ये देखिए हमारी एक यूनिक ट्रिक है। अगर आपके पास ये संसाधन न हो तो इस तरह से भी आप डोरी पलट सकते हैं। इस तरह से इसे बड़ लगाएंगे और इसके अंदर इस तरह से ले लेंगे और ये देखिए इसको साइड में से यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस सिंगल पाइपिंग तक हम ले आएंगे और इस पट्टी को बड़ लगा के रखेंगे कुछ दूरी तक और यहाँ से इसके पास में से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए डोरी पलटना स्टार्ट हो गई है इस तरह से। ये देखिए डोरी भी साथ साथ में पलट रही है हमारी, ठीक है। तो एक बार डोरी पलटने के बाद में इसमें आसानी हो जाती है, दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए आप ले आए इस तरह से, इस तरह से ये देखिए। ये देखिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है जब भी आप डोरी पलटें तो इस डोरी पलटी हुई के ऊपर या अंदर की तरफ जो भी कपड़ा उसके ऊपर सिलाई मशीन न चले। तो इस तरह से आप चालू मशीन में मशीन चलते रहे और डोरी भी पलटते रहें तो एक यूनिक ट्रिक है। तो इस तरह से आप डोरी पलट सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे तीन तरीके जिससे आप आसानी से डोरी पलट सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।